और बहुत सारे ग्रास रूट लेवल पे जब तक हमारे बच्चे शिरकत नहीं करेंगे और बहुत सारे बच्चे नहीं होंगे, शायद मुझे उम्मीद नहीं लगती कि बड़ी जल्दी वो इंटरनेशनल लेवल पे जा सकेंगे। मेरा मानना है कि हमें टेनिस को जन जन तक, अवाम तक पहुंचाना पड़ेगा ताकि जितने बच्चे इसमें शिरकत करेंगे उतने ही इंटरनेशनल लेवल पर जाके वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। आपसे ये क्वेश्चन हो, आप एक जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट है और 15-20 साल हो गए आपको देखते हुए। इन्होंने तो जो कोचिंग स्ट्रक्चर की बात की, आपके ख्याल में वो कौन से अनासर हैं, क्या वो चीज़ें हैं कि जो टेनिस हमारे यहाँ, देखें हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, हमारे पास मतलब टैलेंट भी है, हमारे पास हर वो सहूलत मौजूद है जो एक मतलब एक कौम के लिए होनी चाहिए, एक माशरे के लिए होनी चाहिए, फिर वो अनासर कौन से हैं आपके ख्याल में? सबसे पहले तो जी, टेनिस जो है ये एक, इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक अमीरों की गेम है, कि ये अमीर लोग सिर्फ या जिनकी अप्रोचेज हों, क्योंकि पाकिस्तान में टेनिस के हवाले से जो ज़्यादातर टेनिस हो रही है वो क्लब लेवल पे हो रही है। सही, मुख्तलिफ जहाँ भी आप देख लें। एक तो सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन का जो हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है, और इस्लामाबाद में एक भी सिंथेटिक कोर्ट नहीं है। सही, जो इनके पास एक सिंथेटिक कोर्ट है उसकी हालत इंतहाई ख़राब, बड़े बड़े उसमें घड़े पड़े हुए हैं, कोई लुक आफ्टर, प्रॉपर लुक आफ्टर तो दूर की बात है, आम लुक आफ्टर भी उसकी नहीं है। फिर जो क्ले कोर्ट्स हैं, क्ले कोर्ट्स का ये होता है दुनिया में क्ले पे काफ़ी हद तक मैचेस होते हैं, जैसे फ्रेंच ओपन है, क्ले कोर्ट पर यह होता है जो ही आप मैच खेलते हैं उसको पानी लगाया जाता है, प्रॉपर पानी लगा के उसको रोल किया जाता है ताकि सरफेस जो है वो बराबर हो। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि जो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन है इनके पास पानी लगाने का ही सिस्टम नहीं है इसको। सही। जो आम रबड़ का, जिस तरह हम अपने लॉन्स वगैरह में जिससे पानी देते हैं, उस तरह के पाइप्स यूज़ किए जाते हैं। कहने को इनके पास 6 मुलाजमीन है लेकिन उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जो हमारे अपने इस्लामाबाद का हाल है। फिर दूसरी बात यह है कि जब तक हमारे यहाँ टेनिस को ग्रास रूट लेवल से, हर पिछले भी 8 साल फेडरेशन के जो सदर रहे हैं उन्होंने भी ये कहा, पिछले 12-15 साल में एक भी ऐसा प्लेयर हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सके। अब जलील खान और इनका भाई तीसरा जो पाकिस्तान नंबर 3 यासिर खान, ये तीनों, दोनों भाई जो अकील हैं पाकिस्तान नंबर 1 और जलील जो पाकिस्तान नंबर 2, ये दोनों ओवर 30 हैं। एसामो लग जो हैं वो सिंगल्स में उनकी कभी अच्छी परफॉर्मेंस इतनी नहीं रही, उनका हमेशा जो फेवरेट वो रहा है वो डबल्स रहा है, और डबल्स में ही उनका आप देखें कि पेयर में भी वो कामयाब हैं, वो भी +30 हैं। सही। जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे इसको नहीं करेंगे, इसका कोई यूथ, जब तक आप स्कूल गोइंग किड्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, एक स्कूल गोइंग किड कैंप नहीं लगाएंगे। अब इन्होंने ये जिस तरह बिरबल वडेरा को बुलाया है इंडिया से, ये एक अच्छा स्टेप है होना, तो ये ऐसे स्टेप्स। अब बात यह है कि बिरबल वडेरा 30 या 35 दिन का कैंप करेगा इस्लामाबाद का, जैसे इन्होंने 2004 में पहले भी एक दफ़ा किया था। जुल्फ़िकार साहब, आप जैसे सुना है कि 16-17 साल की उम्र में आप जो हैं वो पाकिस्तान ओपन जीते हैं, और बड़े अरसे से आपकी खिदमात है टेनिस के लिए, और खेल भी रहे हैं, आप कोचिंग भी कर रहे हैं, आपके ख्याल में हमारी कमी क्या, कोताहियाँ कहाँ पे हैं? जैसे मोहसिन भाई ने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रास रूट लेवल की बात हो रही है और हमारे पास बैकअप प्लान कोई नहीं है, अगर अकील खान जलील खान आज अनफिट हो जाएं तो पीछे आपके पास बंदा ही नहीं बचा, वही स्क्वाश वाला हाल है, जानशेर जहांगीर गए तो पीछे बंदा ही कोई नहीं। तो बात ही आपके ख्याल में कौन सी वजूहात हैं, क्या वो अनासर हैं कि टेनिस जो है हमारी बेहतरी की तरफ नहीं जा रही? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि हमारे फेडरेशन को चाहिए कि एक प्रॉपर टेनिस प्रोग्राम बनाएँ जिसमें प्लान करें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेनिस। ठीक। तो टेनिस देखें, मेरी सारी ज़िंदगी टेनिस में गुजर गई है, यू नो आई एम एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर, बट यू नो आई गेव अप माय करियर बिकॉज टेनिस इज़ माय पैशन। तो मेरा पैशन है और मेरा वादा है पाकिस्तान को कि मैं उनको एक वर्ल्ड चैम्पियन दूंगा, ज़रूर दूंगा मैं। सही। तो इंशाल्लाह जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक चीज़ तो मैं बता दूँ कि चैम्पियंस जो है ना, दे आर बॉर्न, ठीक है ना। अब एवरीबडी कैन नॉट बिकम फेडरर या नदाल या किम क्लाइस्टर